नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं SSC MTS वालों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है, NR रीजन नॉर्थ रीजन में इनके लिए वैकेंसी बढ़ी हैं। MTS वाले अगर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आप आधा अधूरा देखते हैं फिर बोलते हैं कि सर ये आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप SSC पुलिस या फिर DRDO MTS या फिर रेलवे NTPC की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। DRDO MTS के लिए 10 फरवरी से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आप GK और GS पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात है दोस्तों SSC MTS की, जिसमें नॉर्थ रीजन में वैकेंसी बढ़ी है। RTI लगाया है, RTI होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इसके तहत आप जानकारी SSC से मांग सकते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट ने RTI लगाया था। हालांकि मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन एक स्टूडेंट ने RTI लगाया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है और आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो RTI के तहत वैकेंसी बढ़ी हैं नॉर्थ रीजन में, और कितनी वैकेंसी बढ़ी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका Tier 2 एग्ज़ाम हो ही चुका है, जो आपका 24 या 25 नवंबर को हुआ था, तो उसमें RTI के तहत आपकी वैकेंसी बढ़ी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन देखा है उसमें, तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट, मैंने थोड़ा सा ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ था इस जगह पे वो मैंने हटा दिया है, यहाँ पे जो लिखा था वो भी हटा दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन का नेम हटा दिया है मैंने, तो डेट ऑफ रिसेप्ट 31/1/2020 को ये स्वीकार हुआ, मतलब मेरे को जो भी जिसने लगाया था RTI उसको प्राप्त हुआ। रिक्वेस्ट फिल्ड विद रिक्वेस्ट क्या थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्थ रीजन के लिए थी। टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 3 बातें मुख्य हैं, रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई नो अबाउट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ SSC MTS डिपार्टमेंट नॉर्थ रीजन, व्हेन विल बी द डिक्लेयर SSC MTS 2019 Tier 2 रिजल्ट, कब रिजल्ट आएगा, व्हेन विल बी द डिक्लेयर्ड SSC CHSL 2018 Tier 2 रिजल्ट, यानी कि इसका भी रिजल्ट कब आएगा। ये 3 बातें मुख्य थी। अब वैकेंसी कहाँ बढ़ी हैं वो देखते हैं। तो आपको पहले तो यही दिखाता हूँ, रिक्वेस्ट डिपोस्ट ऑफ 31/1/2020 को मिला है, और रिप्लाई के अंदर क्या मिला है, पॉइंट नंबर 1, तो 3 पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया है, टोटल 3515 वैकेंसीज हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स, यानी कि 3500 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी थी। तो आपकी जो वैकेंसी है वो पहले थी 2190 पदों पर, जी हाँ 2190 पदों पर थी नॉर्थ रीजन के लिए, लेकिन अब जो वैकेंसी है उसकी अपडेट दी है तो उसमें 3515 वैकेंसी अब है, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग लगभग 1450 वैकेंसी बढ़ी हैं, 1450 पदों पर विभिन्न डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी बढ़ी है। तो इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है, और इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, हो सकता है आपकी कट ऑफ पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है, उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर मेरे को आज इस वीडियो में यही दिखाना था कि वैकेंसी बढ़ी है कि नहीं, वैकेंसी आपके लिए बढ़ी हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।